नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी नेताओं का एक दूसरे पर दोषारोपण लगातार जारी है और इसी कड़ी में उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ऐश्वर्या सेंगर ने जिले की जनता का सच का साथ देने के लिए धन्यवाद किया। दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को शायद ये नहीं पता कि सच को कितना भी दबाओ पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। हमारी उन्नाव की जनता ने यहाँ की छह सीटों पे आपके पार्टी की सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा के इसका साफ शब्दों में उदाहरण दे दिया है। यहाँ तक कि उन्नाव सदर की आपकी आपराधिक प्रवृत्ति वाली प्रत्याशी, जिनके ऊपर फिलहाल भी वारंट जारी हो रखा है, उनको मात्र 1500 वोटों में नोटा के बराबर वोट देके एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि उन्नाव कांड का सच अब सबके सामने आके ही रहेगा। प्रियंका गांधी जी, झूठ पे बनाई गई इमारतें ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती, जिसका हमारे जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में आपको जवाब दिया है। पूरा उन्नाव जानता है कि किस तरह से प्रायोजित ढंग से ये पूरा कांड रचा गया। मैं उन्नाव की सदैव आभारी रहूंगी कि आपने अपने भाई का, मेरे पूरे परिवार का मान रखा। ये सब आपके विश्वास की जीत है। यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपने मैनिफेस्टो में उज्ज्वला योजना के तहत, यानी कि बीजेपी की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसमें उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। तो वहीं मामला करान तहसील क्षेत्र की महिलाओं का है, जिसमें होली पर महिलाओं ने मुफ्त गैस सिलेंडर देने की मांग की है, जिसमें होली का पर्व और भी उल्लास के साथ मनाया जाए। बस यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, महिलाओं का बहुत साथ दिया है, हमारे लिए बहुत ही साधन किए हैं लाइट्स के, गैस के। हम लोग उनसे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। बस एक ये हम लोगों की इच्छा थी, बस महिलाओं के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि फेस्टिवलों पे सिलेंडर मुफ्त देंगे, तो हम चाहते हैं कि अभी फेस्टिवल है हम लोगों का, हमारा भी अच्छा त्यौहार मन जाए, एक एक, एक सिलेंडर सभी को फ्री में दिया जाए। बस हम माताओं बहनों की यही एक इच्छा है। मोदी बहुत अच्छी सरकार है, इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि होली पे एक एक सिलेंडर दिया जाए, जो अच्छे से माता बहन जो त्योहार मना सके। कुशीनगर में बबलौनी गांव के निवासी राजेश प्रसाद भारती ने प्राथमिक विद्यालय बंधवा में मौजूद शिक्षक पर अपने बच्चे को अकारण मारने, पीटने और जाति सूचक शब्दों का आरोप लगाते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो दफ्तर में जाकर कुछ पूछते हैं तो उनको धमकाया जाता है और जाति सूचक शब्द कहकर भगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एडीएम को ज्ञापन देते हुए उसने उचित कार्रवाई की मांग की है। लड़का पानी पीने गया था और पानी पीकर आया तो दुर्गा मणि त्रिपाठी जो है इनसे पूछे क्या करने गए थे, तो बताया मैं पानी पीकर आ रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने पूरा करने जा रहा हूँ, वहाँ टीचर बैठे हैं, तब तक ये जबरदस्ती ले आकर के अपने क्या ना ऑफिस में ले जा करके दरवाजा बंद करके थे और लातों से और ऐसे केवनी से मुक्खों से जैसे हुआ इस्तेमाल प्रयोग किया हमारे बच्चे के साथ, और रात भर बुखार से जो है हमारा लड़का जो है डर के मारे हमसे बताया नहीं, अब बुखार से तंग था। सुबह जब मैं पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें ऐसे परेशान हो, तो बोल रहा कि दुर्गा मणि हमको मारे हैं, एक बार नहीं हुआ, तीसरा चक्कर ये मारे हैं। तब जाकर मैं स्कूल में जाकर शनिवार को पूछा कि सर क्यों मारे हैं, अब तक ना बच्चों का ड्रेस दिए और ना ही कुछ, फिर भी उल्टे जो है कि आप बच्चों को मार रहे हैं, पानी पीने नहीं जाने देंगे, इतनी आपकी सख्त। शाहजहांपुर में फर्जी लूट का मामला सामने आया है। घटना कांड थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने फर्जी लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वादी राजकुमार ने पुलिस को ही लूट कांड की झूठी सूचना देकर भयभीत कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान मामले में संज्ञान लेते हुए एसपीएस आनंद ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए, जिसके चलते प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्यागी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। साथ ही आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी ने खबर दी थी
कि कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक करके तमंचे की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना कांड में दिनांक 12 मार्च को एक व्यक्ति जिसका नाम राजू है, जलेसा रोड हाथरस का रहने वाला, इसने आगे सूचना दी कि रात लगभग 9 बजे जो उसकी एक माल ढोने वाली गाड़ी है डीसीएम टाइप की, उसका कहना था चुरन की गोली लेकर ये हाथरस से गया था लखीमपुर पहुंचाने। वहां माल पहुंचाने के बाद वहां के माली से इसने 1,51,000 प्राप्त किए थे और वापसी में कांड थाना अंतर्गत जलालाबाद की तरफ बढ़कर एक बोलेरो व्हाइट कलर की थी जिसने उसको ओवरटेक करके गाड़ी को रोक लिया। इसमें 4 व्यक्ति थे, इसमें से व्यक्तियों ने उतर के उसके सिर पे तमंचा लगा दिया और इसके 1,51,000 लूट के चले। और खबर है लखनऊ से, जहां व्यापारी को बंधक बनाकर लूट करने वाले ग्रोह को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रोह के मास्टरमाइंड पंकज वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारी जिससे आरोपी घायल हो गया और मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं मास्टरमाइंड आरोपी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पिटौली पर जो चेकिंग हो रही थी, करीब हमारे 3 प्रभारी निरीक्षक चेकिंग पे मुस्तैद थे, उसी समय एक बाइक जो है तेजी से गुजर के इंस्पेक्टर मड़ियाओ के आगे से निकल गए, जिनके द्वारा साइट पर सूचना करी गई तो इंस्पेक्टर जानकीपुरा में इंस्पेक्टर एलिगेंस द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया आगे, तो ये बाएं तरफ कट मारने के चक्कर में इसका शायद बैलेंस गड़बड़ा गया हो तो उसमें गिर गया। उसके बाद इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर एक फायर की गई, जवाबी कार्रवाई में हम लोग की तरफ से फायर किया गया और उसके बाद ये चोटिल हो गया है और इसको प्राथमिक उपचार हेतु ले जाया गया है और इसके पास से एक बैग जिसमें कुछ ज्वेलरी बरामद हुई अभी बहुत क्लियर नहीं है एक किस घटना से इसका लिंक है, तो इसके आगे प्रारंभिक पूछताछ और जब की जाएगी तब तो आगे और चीज पता चलेगा। भाई कैमरा थोड़ा सा ऊपर, अभी आपको बताते हैं। उन्नाव के आरटीओ ऑफिस में मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बड़ा छापा मारा, साथ ही ऑफिस में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ भी की। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों पर भी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद प्राइवेट अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार प्राइवेट अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप लगते रहे। एक ऐसा ही मामला लखनऊ के जानकीपुरम मंगलम हॉस्पिटल में देखने को मिला। शीतल प्रसाद नाम का शख्स मंगलम अस्पताल अपने हाथ का इलाज कराने पहुंचा था। पीड़ित के हाथ हड्डी फ्रैक्चर थी, उसके हाथ की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर थी। पीड़ित के परिजनों ने बताया है कि पीड़ित का करीब 3 घंटे तक चला लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अब मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल जो है इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था एक दिन पहले, इनका नाम शीतल प्रसाद है। कल जो है ये आप यहाँ पर अपने हाथ का ट्रीटमेंट करवाने आए थे शाम में। डॉक्टर्स ने इनको 4 बजे से यहाँ पर होल्ड रखा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। इन्होंने रात को 10-11 बजे के बाद ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। करीब 3 से 4 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रखने के बाद इन्होंने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इन्होंने कह दिया कि इनको बीपी की प्रॉब्लम है, उस वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन उसके बाद से पूरा हॉस्पिटल गायब है, ना कोई डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ना तो कोई वहाँ ट्रीटमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये लिख के देने को तैयार है। हम लोग तो घर पे थे, ये आए थे वो एक्सरे कराने आए तो एक्सरे कराए, उसके बाद पता लगा कि हाथ में फ्रैक्चर है तो ऑपरेशन बोल लिए, तो हम लोग के पास फोटो भेजे कि ये टूटा हुआ हड्डी है, ऑपरेशन चालू होने जा रहा है, आ जाओ। तो हम लोग 9:15 बजे आए, तब तक यहाँ सब तैयारी हो चुकी थी।
अच्छा तो क्या हुआ फिर? तो उसके बाद तैयार ऑपरेशन, उनको बुलाए पापा को, उठ के चले गए अंदर, मम्मी थी उनको मना कर दिया। तो उसके बाद वो ऑपरेशन होने लगा, उसके बाद तुरंत बताने लगे कि इनके धड़कन है, बीपी लो हो रही है, धड़कन बढ़ गई है, इसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके की शिप्रा नियो सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां अचानक एक युवक बहुमंजिला इमारत की छत से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही युवक की मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक कौन था और कैसे नीचे गिरा इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। ड्यूटी गेट पे थी, मैं गेट पे खड़ा हुआ था तो यहाँ से एक धोबी गया था मेरे साथ में, यहाँ से धोबी गया था भागते हुए, तो धोबी ने मुझे बताया था कि ऊपर से कोई नीचे गिर गया है। मैं उस समय भाग के आया, भाग के मैंने देखा तो यहाँ पूरी तरह से वो गिर गया, वो पेट वेट उसका पूरा फट गया, मुंह भी फट गया, पहचान नहीं हो पा रही है सर। शाहजहांपुर में पूर्व विधायक कुंवर शरद वीर सिंह और निवर्तमान विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने कोलाघाट पुल को लेकर सेतु निगम के अधिकारियों से बातचीत की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जलालाबाद थाना क्षेत्र कोलाघाट पुल पिछले कई दिनों से टूटा पड़ा था, जिसके चलते रामगंगा नदी और कटनी क्षेत्र की के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये पुल शाहजहांपुर और जलालाबाद के साथ ही फरुखाबाद बदायूं को जोड़ता था और जब से टूटा है तब से आसपास के लोग काफी परेशान चल रहे हैं। शाहजहांपुर जनपद के पुलिस लाइन में आगरा में होली पर्व को लेकर कमेटी का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम एसपी एडीजी ने समस्त थाना पुलिस और समस्त धर्मों के व्यक्तियों के साथ सुझाव साझा किया, त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। इस मौके पर जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मी के साथ ही क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में होली के पर्व के पर्व पर कई जुलूस निकलते हैं, उसमें ऐतिहासिक जुलूस छोटा लाट साहब और बड़ा लाट साहब, ये जुलूस निकलता है और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। और आज हम लोगों ने मीटिंग की सभी शाहजहांपुर के संभ्रांत नागरिकों से, दोनों पक्ष सभी संप्रदाय के लोगों ने मीटिंग अटेंड की और उन्होंने जो छोटी मोटी बातें बताई हैं जुलूस को लेकर के अन्य उनको देख नोट किया गया, प्रशासन उन सभी कमियों को दूर करेगा। लखनऊ के थाना कैंट में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी पूर्वी के निर्देशन में शांति कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी किए गए। इस दौरान पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। होली का त्योहार बेहद नजदीक है और ऐसे में शांति भंग ना हो और आपस में लोग भाईचारे के साथ इस होली के त्यौहार को मना पाएं, इसी के लिए पुलिस अधिकारियों की ओर से ये मीटिंग का यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ के थाना कैंट में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी पूर्व और एडीसीपी पूर्व के निर्देशन में शांति कमेटी की यह मीटिंग हुई। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में नानकशाही 554वां नववर्ष कीर्तन दरबार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पालकी साहिब दरबार हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था। नववर्ष के विशेष दीवान में पंथ प्रसिद्ध रागी ने शब्द कीर्तन गायन संगीत को निहाल कर दिया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी सुखदेव सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ जोड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए इस पंजाबी नववर्ष पर भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम सब प्रभु का स्मरण और गुरबाणी का गायन करते हुए नववर्ष में प्रवेश करें और परमात्मा की खुशियों को प्राप्त करें।
ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ताज दीदार करने पहुंचे। इस दौरान जिले के मेयर ने 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का स्वागत किया और ऑस्ट्रिया के सांसद परंपरागत स्वागत से अभिभूत नजर आए। शाहजहांपुर में लगातार होली के आयोजन हो रहे हैं, वहीं जिले में खाटू श्याम की होली भव्य रूप से मनाई जा रही है। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र गुलाल और फूलों की होली खेल खाटू श्याम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में लोग जमकर झूमते नजर आए। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस त्यौहार में सैकड़ों लोग होली खेलकर भगवान की आराधना करते हैं। यहाँ मथुरा वृंदावन जैसी होली का स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिसके चलते लोग मन से होली खेलकर भगवान की भक्ति के रंग में खो जाते हैं। मोहनलालगंज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पांडे कॉम्प्लेक्स की नीरज ज्वेलर्स की शॉप में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग इन्वर्टर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग ने आग पर काबू पा लिया। जैसे ही आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो कॉम्प्लेक्स के बाहर भीड़ जुट गई, हड़कंप मच गया। लखनऊ के पांडे कॉम्प्लेक्स की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी। आग की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि जो आग लगी है वो इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से यह आग लगी है। देखते देखते इस आग ने कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया।
देश में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं कभी नंबर वन पार्टी रही कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा साफ हो गया, यहां तक कि कांग्रेस को राजधानी लखनऊ की सभी 9 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। कांग्रेस जो कभी देश की नंबर वन पार्टी थी, उसी कांग्रेस को यूपी के 2022 के विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर उसके सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के आगे कहीं टिक तक नहीं पाए। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी यूपी में कांग्रेस के नसीब को बदल नहीं पाया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो संगठन के अभाव में कांग्रेस का जनाधार चुनाव दर चुनाव खत्म होता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी 2022 के चुनावों की जीत के बाद 2024 के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, वहीं कांग्रेस के सामने निकाय चुनावों में पार्टी का वजूद बचाना सबसे तगड़ी चुनौती है। 2022 के चुनावों की बात करें तो लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस ने एनआरसी मामले में चर्चित रही सदर जाफर को टिकट दिया, जिसमें वह कुछ खास नहीं कर सकी और 3,000 से भी कम वोट मिलने की वजह से चौथे स्थान पर रही। वहीं मोहनलालगंज सीट से पार्षद ममता चौधरी को आजमाया, लेकिन वह केवल 2,990 वोट ही हासिल कर पाई। इतना ही नहीं, लखनऊ पश्चिम सीट से खड़ी होने वाली शहाना को कुल 2,500 वोट मिले। यहां तक कि कांग्रेस से मलिहाबाद सीट से इंदर कुमार, बख्शी का तालाब में ललन कुमार, सरोजनी नगर में रुद्र दमन सिंह, उत्तर विधानसभा सीट से अजय श्रीवास्तव और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, लखनऊ कैंट से दिलप्रीत सिंह चुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा के बाद नजर आए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदर्शन ने संगठन और रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे मुकेश सिंह चौहान का कहना है कि हार से नहीं प्रदर्शन से निराश है, जिसे लेकर जल्द ही संगठन और प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर कम वोट मिलने की समीक्षा होगी। अगर बीते 3 दशकों की बात करें तो 2012 में कैंट सीट से रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले पार्टी कैंट में ही 1989 में जीती थी। वहीं दूसरी सीटों की बात करें तो पश्चिम में 1985 में कांग्रेस के जफर अली नकवी विधायक चुने गए थे। तब से कांग्रेस को यहां से जीत का इंतजार है। लखनऊ मध्य में पिछले 37 साल से कांग्रेस नहीं आई। सरोजनी नगर में आखिरी बार 1991 में मिली सीट पर विजय कुमार त्रिपाठी विधायक बने थे। तभी बख्शी का तालाब में 1991 में विनोद चौधरी कांग्रेस से जीते थे। 1985 में ही मोहनलालगंज में ताराचंद सोनकर और मलिहाबाद में आखिरी बार 1985 में कृष्णा रावत ने सीट पर जीत दिलाई थी। आज देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वही कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई है और इस साल होने वाले निकाय चुनावों और 2024 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के आगे कई चुनौतियां हैं और सवाल खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह आगामी चुनावों में उभर कर लोगों के सामने आएगी या बचे हुए 2 राज्यों से भी हाथ धो बैठेगी। देश में कांग्रेस पार्टी रहेगी या खत्म होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। कभी नंबर वन रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में लखनऊ से 9 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे उनमें से एक भी कोई अपना दावा पेश नहीं कर सका और सारे के सारे जो है उनके दावे ध्वस्त हो गए, साथ ही साथ उनकी जमानत तक जब्त हो गई। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।